हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों आप सब बच्चे होंगे। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ या फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, या अगर अयोध्या की बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या, इन तीनों के बीएड फर्स्ट ईयर में एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और ये सब्जेक्ट्स भी कॉमन है और इनका सिलेबस भी सेम है। अगर आप थर्ड यूनिट, इस पेपर के थर्ड यूनिट की बात करें, तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना क्या है? पहला पॉइंट आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र होता क्या है, समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ क्या होती है। अगर मैं हम शॉर्ट में बात करूँ तो सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियोस प्लस लोगोस। सोशियोस का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। आपको सेकंड पॉइंट क्या पढ़ना है? सेकंड पॉइंट पढ़ना है इंडिविजुअल्स एंड सोशल्स एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। अगर मैं शिक्षा हासिल करता हूं तो मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और उस शिक्षा से समाज का कैसे भला हो सकता है। तो सोशल एंड इंडिविजुअल्स एम ऑफ एजुकेशन। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो रोल ऑफ एजुकेशन टू प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा से राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ सकती है, राष्ट्रीय एकाकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। फोर्थ पॉइंट आपको पढ़ना है इसमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, कि हम अंतर्राष्ट्रीय से अपने आप को कैसे जोड़ेंगे, कैसे एक अच्छा समाज बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे अपनी भूमिका को बताएंगे। और लास्ट पॉइंट है इसमें सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जो एक इंसान को समाज के साथ रहना सिखाती हो, समाज के तरह से अपना व्यवहार करना सिखाती हो। जो व्यक्ति समाज से अलग होता है उसे असामाजिक तत्व कहते हैं, सामाजिक नहीं कहते हैं। तो एक इंसान को समाजीकरण, समाज में रहने योग्य बनाने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ओवरऑल ये पांच पॉइंट पढ़ना है आपको तीनों विश्वविद्यालय में, ठीक है। आज हम दो पॉइंट्स को खत्म करेंगे, कवर अप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। और दूसरा पॉइंट क्या है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। इन दो पॉइंट को हम कवर अप करेंगे। और जो नए बच्चे हैं जिनका इस बार एडमिशन हुआ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझिए, अपने शब्दों में समझिए और अपने नोट्स, अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाइए। तो ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में मैंने इन दोनों पॉइंट्स के अर्थ, विशेषताएं, प्रकृति, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब को इसमें हमने टच किया है, चाहे बात करें सोशलाइजेशन की, चाहे बात करें सोशियोलॉजी की। एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है शैक्षिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं, उसको भी इस वीडियो में देखा गया है। मतलब जो भी आपके संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या फिर अब आगे से पूछा जा सकता है उसको बेहतरीन तरीके से आसान से शब्दों में इस वीडियो में देखा गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसको देखिए, और मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं अपने शब्दों में नोट्स बनाइएगा, और एग्जाम्स में यूँ समझ लीजिए कि इन दोनों में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सवाल पूछा है तो यूँ समझ लीजिए कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। तो अगले वीडियो पे चलते हैं, और इस वीडियो में सोशियोलॉजी को और सोशलाइजेशन को और एजुकेशन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र को, इन तीनों पॉइंट को वहां पे कवर अप करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से अपने विश्वविद्यालय के ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहां पर मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आप जैनेटॉक के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहां भी आपको नोट्स मिल जाएगी, और वहां पर तो आपके पूरे सब्जेक्ट्स की यूनिट वाइज और सिलेबस वाइज वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अगले वीडियो पे चलेंगे। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सोशियोलॉजी, सोशलाइजेशन और एजुकेशन सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र को। तो चलिए उस वीडियो पे मिलते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए, और आपका लगभग ये दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आज कवर अप हो जाएगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब ऐसे ही रेगुलर क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा बहुत डेली आप पढ़ते रहिए, सेल्फ नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम आने तक आपकी पूरे सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आ रही हो, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, अपने और साथियों को जोड़िए, शेयर करिए उन तक, एक टीम बनाइए, साथ मिलकर पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।